नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों जब भी इंसान की जिंदगी में कोई भी परेशानी आती है, कोई अड़चन आती है, तो सबसे पहले उसका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है और उसके बाद में इंसान क्या करता है, बाबा लोगों के चक्कर में पड़ जाता है, ठगी में फंस जाता है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि हम जिसके पास में जा रहे हैं, जिससे हम अपना ये परेशानी बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो हमारी परेशानी को दूर करे, वो भी एक इंसान है आप ही की तरह। उसमें कुछ अलग से नहीं है, कुछ अलग से विशेष प्रकृति नहीं है, भगवान ने उसको अलग से कुछ विशेष नहीं दिया है। अगर वो आपकी परेशानी दूर कर सकता है तो उसने कुछ ऐसे वर्क किए होंगे, ऐसे कुछ उपाय किए होंगे कि वो आपकी परेशानी दूर कर सकता है। तो आप भी वही चीज, छोटी सी कुछ क्रियाएं करके आप भी उतनी एनर्जी अपने पास ला सकते हैं और आप खुद अपनी परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन आप लोग ठगी में फंस जाते हैं, पैसे दे देते हैं, परेशानी सॉल्व होती नहीं है, ऊपर से और परेशानी आ जाती है। तो कुछ ऐसे छोटे से उपाय होते हैं दोस्तों, अगर आप खुद से कर लेंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग कहीं ठगी में ना फंसे, अपनी परेशानी का हल सॉल्यूशन आप खुद ढूंढें, खुद उससे निकलें, खुद अपने अंदर इतनी एनर्जी लाएं कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि जैसे वो इंसान है आप भी इंसान है, प्रकृति ने सबको एक ही बराबर एनर्जी शक्ति दी है, किसी को कोई अलग से विशेष नहीं दिया है। बस ये है कि कोई अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है और कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो आपको अपने अंदर की उस शक्ति को, जो ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है, जो सबके अंदर एक समान है, उसको थोड़ा सा आपको पहचानना है, थोड़ा सा अपने आपको जागृत करना है। तो दोस्तों मैं पानी का एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपके सामने लेकर के आया हूं, आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन करेंगे। दोस्तों पानी में एक मेमोरी होती है, आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो मिसारो मोतो एक जापान के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसमें एक टेस्ट किया था जिसमें पानी में एक मेमोरी होती है। आप जब सर्च करेंगे गूगल में तो देखेंगे इसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। मैंने इसका बहुत एक पिछले वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लेंगे, चेकआउट करें चैनल पे तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो पानी का एक प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, जल ही जीवन है, लेकिन जितनी शक्ति जल में होती है कहीं और नहीं है। आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे, वो हाथ में कमंडल में जल लेकर के और किसी में कुछ मंत्र पढ़ करके जो श्राप दे देते थे, फूंक देते थे, वो बात सत्य हो जाती थी। वो कमंडल में जो जल रखे हुए होते थे वो अभिमंत्रित होता था, यानी कि उसमें उनने अपनी शक्तियां डाल चुकी होती हैं। तो उसमें क्या होता है, एक मेमोरी, पानी जो होता है, हम जो बोलते हैं, जो हम देख करके सोचते हैं, पानी उन चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है। वही चीज अगर हम पीते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 75% पानी है, तो वही चीज हमारी जिंदगी में रियलिटी बनती है। तो एक छोटा सा एक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, आप शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले कांच की आपको एक गिलास लेनी है। आप गुरुवार की रात में क्या करेंगे, आपको शुक्रवार को जब प्रयोग करना है तो गुरुवार की रात्रि को या फिर आप शुक्रवार के दिन में ही आपको एक तुलसी का पत्ता तोड़ करके रखना है। आप शुक्रवार से करें, गुरुवार को ना करें, शुक्रवार के दिन में ही सूरज ढलने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक तुलसी का पत्ता और साथ में कांच की गिलास। तो आप इस प्रयोग को करेंगे कि कांच गिलास में पानी डाल करके जहां आप सो रहे होते हैं वहां पर आपको कांच गिलास में पानी भर करके शुक्रवार की रात में आपको करना है प्रयोग को। तो आपको क्या है, पानी भर करके आपको रख देना है जहां आप सो रहे होते हैं और एक तुलसी का पत्ता भी वहीं साइड में रख लें। और रात में आपको 3 बजे उठना है, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट रहेंगे, 3 मिनट में आपको इस क्रिया को कर लेना है। तो 3:03 के अंदर, जैसे ही 3 बजते हैं आप अलार्म लगा करके सो जाएं, 3 बजे उठते हैं बल्कि पहले उठ जाए आप, सीधे बिस्तर से उठें और आपने जो कांच का गिलास लेना है दोस्तों, याद रहे मैं बार बार बोल रहा हूं कि कांच का गिलास ही लेना है आपको। कांच गिलास में जो आपने पानी भरा हुआ था, रात में जब सोएंगे तो उसको ढक करके रखें और जब आप प्रयोग करेंगे तो उसको निकाल करके और उसमें आपको एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। तुलसी का पत्ता आप दिन में ही तोड़ के रख लेंगे, उसके बाद में तुलसी का पत्ता जब डालेंगे तो आपको उसको उसमें मसल देना है, आपको हाथ से उसमें मसल देना है ताकि उसका रस पानी में आ जाए। अब आपको इस पानी को देखते हुए आपको एक शब्द बोलना है, आपकी कोई एक मनोकामना जो कुछ भी है, 2 या 3 भी बोल सकते हैं, आपके बच्चे आगे बढ़े, आपकी जो परेशानियां हो रही हैं, तो आपको प्रेजेंट टेंस में क्या बोलना है कि मेरी ये परेशानी सॉल्व हो गई है। अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो मेरे बच्चे पढ़ने लगे हैं, मेरे बच्चों की जॉब लग गई है, मेरे बच्चों की इतनी सैलरी आ रही है, या A to Z कुछ भी आपकी परेशानी है, खुद की परेशानी है, मेरी ये तकलीफ नहीं बोलना है दोस्तों। अगर आप बीमार हैं तो मैं स्वस्थ हो गया हूं या मैं स्वस्थ हो गई हूं, ये बोलना है आपको। मतलब कि आपको जो नेगेटिव वर्ड है वो यूज नहीं करने हैं। आपको अगर बीमारी है तो आपको बोलना है मैं स्वस्थ हो गया हूं या मैं स्वस्थ हो गई हूं, पॉजिटिव वर्ड में आपको पानी को देखते हुए ये बोल करके, और आपको पानी
पी लेना है। अब जैसे ही आप पानी पीते हैं तो आपका जो लास्ट, जब पूरा पानी पी लेंगे तो लास्ट का एक घूंट आपका आपको मुंह में बचा लेना है, आपको पूरा पानी आपको अंदर नहीं लेना है, आपको एक घूंट पानी मुंह में बचा लेना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज अपनी जो मनोकामना है या जो आपकी परेशानी वो सॉल्व हो गई है ये सोचते हुए, इस चीज को विजुलाइज करते हुए आपको क्लॉकवाइज एक राउंड घूम जाना है। घूमने के बाद में पानी उसका आपका भरा रहेगा, उसके बाद में सर को आपको ऊपर करना है, आप ऐसे सर करेंगे ऊपर और पानी को पी जाएंगे, ऊपर सर करके ही पानी पी जाएंगे। पानी पीने के बाद में आपको एक बार ऊपर सर करके ही ओम गं गणपतये नमः ऐसे सर करके और ओम गं गणपतये नमः ये आपको बोल देना है और बस अपनी जो परेशानी है वो सॉल्व हो गई है, आपको सोच लेना है। आपको कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है कि जैसे कि आपकी बीमारी है तो मेरे को बीमारी ठीक हो जाए, ये नहीं बोलना है, मैं स्वस्थ हो जाऊं या स्वस्थ हो गया हूं या स्वस्थ हो गई हूं, ये आपको यूज करना है। आपको नेगेटिव वर्ड पानी में देखते हुए बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अगर आप बोलोगे कि मेरी बीमारी ठीक हो गई है तो पानी की जो मेमोरी है वो आपको बीमारी शब्द को पकड़ेगा तो आपके साथ में और वो परेशानी बढ़ जाएगी। तो आपको बोलना है मैं स्वस्थ हो गया हूं, या फिर आपको बोलना है कि मेरे साथ में मेरे पास में बहुत इनकम आ रही है। आपको ये प्रयोग को कम से कम 5 या 11 शुक्रवार आप करिए, वैसे तो एक ही में आपको रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आपको दिखने लगेगा, लेकिन आप 11 शुक्रवार कंटिन्यू कर लीजिए, आपसे बड़ी आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपने खुद की परेशानियां खुद से ही सॉल्व करें और अच्छे से सॉल्व करें, आपको किसी और के पास ना जाना पड़े, आप लोग एक ठगी के चक्कर में ना पड़े। अपने अंदर की ताकत को आप खुद पहचानें कि आपके अंदर भी वो ताकत है जो जहां आप जिसके पास में जा रहे हैं उसके पास में जितनी ताकत है उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर ताकत है, वही ताकत आपके अंदर विद्यमान है। तो अपनी परेशानी को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, किसी और की जरूरत नहीं है आपको। भगवान ने जैसे उनको बनाया है वैसे आपको ही बनाया है, वो भी इंसान है आप भी इंसान है। तो अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और अपनी परेशानी का खुद ही अपना सोल्यूशन ढूंढिए और खुद ही इसको सॉल्व करिए। और हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए। दोस्तों मैं काफी वीडियो में बता चुका हूं कि अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। दोस्तों अगर ये चीज अगर आप करना शुरू कर देते हैं कि अपने आप को हमेशा सौभाग्यशाली समझें, अपने आप को हमेशा अच्छा सोचें, अगर कोई चीज आपके साथ में नहीं हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन उस चीज को बोलिए कि मेरे साथ में सब अच्छा हो रहा है। अब बार बार जब यही शब्द आप रिपीट करेंगे, मेरे साथ में अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो यही चीज आपकी जिंदगी में रियलिटी बनने लगेगी। तो हमेशा अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, भले आज नहीं हो रहा है लेकिन जब बार बार आप बोलेंगे उस चीज को फील करेंगे तो आपकी जिंदगी में सच में चमत्कार होगा, मिरेकल होगा। आप समझेंगे कि हाँ जिंदगी में मिरेकल होता है, चमत्कार होता है। अगर चमत्कार देखना है बस ये शब्द रिपीट करिए कि मेरे साथ में सब अच्छा हो रहा है, भले अभी प्रेजेंट में अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन बोलिए मेरे साथ में सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ में सब अच्छा होगा, और जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। जब बार बार यही चीज रिपीट करेंगे तो जो भी अगर कोई बुरा होने वाला होगा वो भी अच्छाई में बदल जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और अच्छा ही सोचिए, अपना बस नहीं सबका अच्छा सोचिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए। और जब सबका अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, कभी कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।